मैं मंजू, मेरी उम्र 30 साल है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। पेशे से तो मैं पहले ब्यूटीशियन हुआ करती थी, लेकिन बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे वो पेशा छोड़ना पड़ गया और फिर मैं घर में ही रहने लग गई। और जब मैं घर में रहने लग गई ना, तो मेरे फ़ोन का जो इस्तेमाल था वो काफ़ी बढ़ गया। देखते देखते वो 2 घंटे में तब्दील हुआ, फिर और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं रोज़ रात कमरे में तो जाती थी, लाइट भी ऑफ करती थी कि सो जाऊंगी, लेकिन फिर मैं वहाँ लेटे लेटे फ़ोन इस्तेमाल करती थी और वो आदत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जब वो आदत इतनी ज़्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जो मेरी दूर की नज़र थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। और एक रात जो मेरे साथ हुआ वो तो काफ़ी ख़तरनाक था। मैं रात को उठी, वॉशरूम जा रही थी और फिर मुझे सब कुछ धुंधला दिखने लग गया और थोड़ी देर बाद तो सब कुछ अंधेरे में तब्दील हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका था। जैसे जिग्सॉ पजल्स नहीं होते हैं कि आपको ऊपर नीचे मतलब कुछ भी ना दिखाई दे, वैसा सा हो गया। और कुछ और समय बीता तो मैंने ये भी अपने आप में देखा कि मैं चीज़ों को भूलने ही लग गई थी और इस चीज़ ने मुझे अंदर तक डरा दिया। और डरने के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और मैं डॉक्टर के पास गई ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसा मंजू के साथ हुआ वैसा शायद कहीं आपके साथ ना हो जाए। इससे पहले ज़रूरी है कि हम सावधान और सतर्क हो जाए। अभी जो आपने कहानी सुनी वो कहानी मंजू की है और ये रियल स्टोरी है। ट्विटर पर डॉक्टर सुधीर कुमार ने इसे शेयर किया है और जब से उनके ट्वीट्स वायरल हुए हैं तब से ही लोग मोबाइल के ओवर यूज़ को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर आप भी रात में सोने से पहले घंटों मोबाइल देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ मोबाइल पर देखते हैं लगातार, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मंजू को जो ये बीमारी हुई थी, डॉक्टर्स ने उसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम दिया। और जब मंजू इस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची थी तो डॉक्टर्स ने उन्हें कोई दवा नहीं दी, बस अपने स्क्रीन टाइम को हद से ज़्यादा कम करने के लिए कह दिया। मंजू भी डरी हुई थी तो मंजू ने भी यही किया। उन्होंने महीनों तक अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दिया और मोबाइल चलाना बेहद कम कर दिया। धीरे धीरे उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो वापस आने लगी और उनका विजन सिंड्रोम भी ठीक हो गया और अब मंजू की आंखें पूरी तरीके से ठीक है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का यूज़ आजकल हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इन सब का जितना यूज़ बढ़ रहा है उससे होने वाली बीमारियों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, जिसमें मंजू के साथ जो ये बीमारी हुई बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। पहले हम आपको एक डेटा दिखाते हैं। साल 2015 में 10% स्कूली बच्चों को मायोपिया की बीमारी हो गई। 2050 तक भारत के 40% बच्चे मायोपिया के शिकार हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मायोपिया ऐसी बीमारी है जिसमें पास की चीज़ें तो ठीक दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल फ़ोटो और वीडियो देखने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए, खबर पढ़ने के लिए करते हैं और मनोरंजन के लिए भी करते हैं और बाकी कुछ लोग काम करने के लिए भी करते हैं। लेकिन स्क्रीन से निकलने वाली जो रेज़ है वो हमारे आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और ख़ास करके तब जब हम अंधेरे में मोबाइल फ़ोन को अपने एकदम नज़दीक से यूज़ करते हैं, तब ये रेज़ और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं और डायरेक्ट हमारे आँखों पर अटैक करती हैं। इसी वजह से आजकल कुछ दिनों में इन सभी के केसेस काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, स्क्रीन टाइम को कम करना ये हमारे हाथ में है। कुछ लोगों का काम ही वैसा है कि वो चाह कर भी स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप 20-20-20 इस फॉर्मूला का यूज़ करें। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप इस 20-20-20 के फॉर्मूला को यूज़ करें, जिसमें आप 20 मिनट तक अगर स्क्रीन देख रहे हैं तो उसके बाद 20 सेकंड का ब्रेक ले, 20 फीट की दूरी पर देखें और कम से कम 20 बार अपनी पलकों को झपकाएं, क्योंकि हमने अपनी पलकों को भी झपकाना बेहद कम कर दिया है। तो अपनी पलकें झपकाइए, अपनी आंखों का ख्याल रखें।